आज हम आपको कैंसर के बारे में जो समाज में कुछ भ्रांतियां हैं उसके बारे में कुछ स्पष्ट करना चाहूँगा। साधारणतः जब रोगी हमारे पास आता है और अगर उसकी बायोप्सी नहीं होती है, उसके अलावा अन्य उसकी जांच होती है जिससे ये मालूम पड़ने लगता है कि उसको कैंसर है, तो रोगी साधारणतः वो बायोप्सी कराने से घबराता है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये आशंका होती है, समाज के अंदर ये बात होती है कि अगर हमने कैंसर को छेड़ा, उस गांठ को छेड़ा बायोप्सी करके, तो वो फैल जाएगी और वो हमसे ये कोशिश करता है कि भाई मेरी बायोप्सी से मेरे को बचाया जाए। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिना बायोप्सी के डायग्नोसिस होता ही नहीं है। जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा तो डॉक्टर आपको उपचार का सही उपचार बता भी नहीं पाएगा कि आपको कौन सा उपचार लेना है, कि आपको सर्जरी करानी है, कि आपको रेडियोथेरेपी करानी है, कि आपको कीमोथेरेपी करानी है। इसलिए आप बायोप्सी से न घबराएं, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बायोप्सी से कोई ट्यूमर फैलता नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात इस कैंसर के अंदर ये होती है कि आपको जब ये मालूम हो जाता है, सबसे भयंकर समाज इसको बीमारी मानता है, जानलेवा इसको बीमारी मानता है, लेकिन उसके उपचार चालू करने के अंदर रोगी साधारणतः डिले करता है, वो लेट करता है, वो इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर जाता है, और वो जब बायोप्सी के होने के बाद जो पीरियड लंबा वो एक्चुअल उपचार लेने में करता है, वो उसके लिए खतरनाक होता है। उसके कारण से वो ट्यूमर तो बढ़ रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि बायोप्सी से आपके कोई ट्यूमर नहीं बढ़ता। बायोप्सी से एक बार डायग्नोसिस होने के बाद आपको स्पष्ट रूप से तुरंत इलाज की ओर आगे बढ़ना चाहिए। समाज में एक जो एक दूसरी और धारणा है और जिसके लिए रोगी अक्सर हमसे पूछताछ भी करते हैं कि ये क्या ये छूट की बीमारी है। कई बार देखा गया है कि परिवार में जब किसी के ये रोग हो जाता है तो लोग उससे थोड़ा दूर हटने लगते हैं। मेरा ये मानना है, ये कहना मेरा, और साइंस भी ये कहती है कि ये कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है, ये छूट की बीमारी नहीं है। वह व्यक्ति आपके परिवार का ही एक वो है, सदस्य है। आप उसे छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं करें, उसके बच्चों को उसके पास आने दें, आप एक साथ भी बैठ के खाना खाएंगे तो ये रोग न तो उसका बढ़ेगा और न इस रोग ये रोग आप किसी अन्य व्यक्ति को लगेगा। और इसीलिए ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं हर बार मरीजों को समझाता हूँ कि आप उपचार से घबराएं नहीं, बायोप्सी होने के तुरंत बाद आप उपचार की ओर आगे बढ़ें और रोगी से बिल्कुल सामान्य अन्य रोगियों की तरह ही उससे व्यवहार करें, इसको छूत बीमारी मानकर इस रोगी से दूर ना रखें।